आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे। आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो है इस समय हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बता दें कि काफी देर से इंतजार चल रहा था कि कांग्रेस से जम्मू से लोकसभा का कैंडिडेट कौन होगा। वहीं पर आपको बता दें कि अब जम्मू से लोकसभा कैंडिडेट जो है वो रमन भल्ला होंगे, जिनका नाम जो है पहले भी चल रहा था, हमने आपको वो भी खबर बताई थी। और आपको बता दें कि रमन भल्ला जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस के और साथ ही साथ पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो जो है अब जम्मू से लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे। वहीं पर कांग्रेस से जो है उधमपुर से, जैसे ही हमने आपको पहले भी बताया था, चौधरी लाल सिंह जो हैं वो उधमपुर से जो हैं इलेक्शंस जो है लोकसभा इलेक्शंस जो हैं वो लड़ेंगे। और भाजपा की बात करें तो भाजपा में जम्मू से जो है जुगल किशोर शर्मा और उधमपुर से जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है लोकसभा इलेक्शंस लड़ेंगे। इस बार के लोकसभा इलेक्शंस जो है कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पहले ही हमने आपको बताया था कि रमन भल्ला का नाम जो है वो जम्मू से चल रहा है, कि रमन भल्ला जो है वो जम्मू से जो है लोकसभा इलेक्शंस लड़ सकते हैं। वहीं पर आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये आ रही है कि रमन भल्ला जो है वो जम्मू से लोकसभा इलेक्शंस लड़ेंगे और उधमपुर से चौधरी लाल सिंह। और इस बार बीजेपी और कांग्रेस के जो ये हम आपको जो है कैंडिडेट्स बताए, मतलब लोकसभा इलेक्शंस जो है वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुके हैं कि लोगों को भी अब जो है इन लोकसभा इलेक्शंस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। अब देखते हैं, लोकसभा इलेक्शंस 19 अप्रैल से जो है इसकी डेट्स जो है वो अनाउंस हो गई है। देश भर में जो है 19 अप्रैल से ये लोकसभा इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 5 फेजेस में इलेक्शंस होंगे। क्या कुछ आगे होगा लोकसभा इलेक्शन से लेकर और क्या कुछ अगली खबर आएगी लोकसभा इलेक्शन से लेकर, जरूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये थी कि रमन भल्ला जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस की और साथ ही साथ पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो जो है जम्मू से कांग्रेस से जम्मू से जो है वो लोकसभा इलेक्शन जो को है वो लड़ेंगे। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रहेगा जेके न्यूज टुडे के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट काकराम के साथ, समीक्षा वर्मा, जेके न्यूज टुडे के लिए।